उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देऊंगा कि उन्होंने मुझे लॉ एंड जस्टिस जैसे महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने के प्रारंभ करने का अवसर प्रदान किया। माननीय गडकरी जी बोल रहे थे तब काफ़ी सदस्यों ने कोरोना को लेकर के चिंता व्यक्त करी और जिस तरह की आपदा दुनिया में आई है, मैं अपने कथन को भी फेमस जूरिस्ट एडमंड बर्क के स्टेटमेंट के साथ शुरू करूंगा। देयर इज बट वन लॉ फॉर ऑल, नेमली द लॉ विच गवर्न्स ऑल लॉ, द लॉ ऑफ आवर क्रिएटर, द लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी, जस्टिस, इक्विटी, द लॉ ऑफ नेचर एंड ऑफ द नेशंस। और दुनिया में जब हम न्याय के शासन की बात करते हैं तो न्याय के शासन का अर्थ है कि देश में जो भी तरक्की है, संतुलन है, लोगों का विश्वास है, लोगों का शांतिपूर्ण रहने का तरीका है, उस सब को विधि के द्वारा और विधि मंत्रालय के द्वारा शासित किया जाता है। इसलिए लॉर्ड बेक ने कहा था, देयर इज नो बेटर टेस्ट ऑफ एक्सीलेंस ऑफ ए गवर्नमेंट देन द एफिशिएंसी ऑफ इट्स जुडिशियल सिस्टम। और इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के जो तीन डिपार्टमेंट हैं, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट और जस्टिस डिपार्टमेंट, इन तीनों ही डिपार्टमेंट के माध्यम से एक जीवंत न्याय प्रणाली रहे, न्याय प्रणाली के द्वारा सब लोगों को न्याय मिले, न्याय प्रणाली के द्वारा देश में कानून का शासन स्थापित हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन जब हम मंत्रालय पे चर्चा इस सदन के अंतर्गत करना चाहते हैं तो उस चर्चा का अर्थ यह है कि सरकार के द्वारा किए गए प्रयास और इसके संबंध में जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन सारी चुनौतियों का पूर्ण विश्लेषण मंत्रालय की चर्चा के अंतर्गत होना चाहिए। और इसलिए देश अगर एक न्यायपूर्ण शासन से पहचाना जाता है तो जो लॉ है वो कोई इस जीवन समाज को संचालित करने वाली जो व्यवस्था है वो कोई एक निश्चित मैथमेटिक्स नहीं है। वेंडल होल्म्स ने कहा था, द लॉ एम्बॉयड द स्टोरी ऑफ ए नेशन डेवलपमेंट थ्रू मैनी सेंचुरीज एंड इट कैन नॉट बी डील्ट विथ एज इफ इट कंटेन ओनली कॉरोलरीज ऑफ ए बुक ऑफ मैथमेटिक्स। केवल गणना के द्वारा हम लॉ को नहीं देख सकते। जैसे जैसे समाज बदलता है, समाज की चुनौतियां बदलती हैं, समाज में नए विषय आते हैं, समाज में नए नैतिक मूल्य खड़े होते हैं, उसके हिसाब से लॉ को, व्यवस्था को भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है। आज जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश में, मेरे को लगता है जो कानून के सामने है और सारी न्यायिक व्यवस्था के सामने है कि देश की आर्थिक व्यवस्था को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आज जुडिशरी को संवेदनशील होकर के बहुत शीघ्रता के साथ सारे कानूनी मामलों का सही समय पर निष्पादन करना होगा। और इसलिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो डिस्पोजल ऑफ केसेस को लेकर के है, क्योंकि डिस्पोजल ऑफ केसेस में दोनों तरह के केसेस हैं, क्रिमिनल लॉ भी है, सिविल लॉ भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम अपने देश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे लेकर के जाना चाहते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे ले जाने के लिए हमें दुनिया भर में जितने भी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट भारत में होते हैं उनका सही समय पर निष्पादन हो, ये व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती है। मैं ये कहना भी चाहूंगा कि हमारी सरकार ने कुछ जो नए
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रावधान किए। सरकार में आने के बाद 2015 में कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल डिवीजन और कमर्शियल अपीलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट को शुरू किया गया। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को अमेंड किया गया, आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन एक्ट को अमेंड किया गया, द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019 लाया गया। और ये लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे देश ने 2015 में 142 से 130वां स्थान लिया, 2016 और 17 में 100वें से स्थान से बढ़कर के 2019 तक हम दुनिया में 63 नंबर पे आए। लेकिन ईज ऑफ डूइंग के जो 10 पैरामीटर हैं उसमें एक पैरामीटर एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी है। लेकिन हम बाकी के 9 पैरामीटर में आगे बढ़े, लेकिन जो एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट का जो विशेष रूप से सरकार के द्वारा प्रयास किए गए और ये जो आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया, ये इसी संभावना को देख करके बनाया गया है कि आने वाले समय में हम अपने जुडिशियल सिस्टम के माध्यम से दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था में हम भी आगे बढ़ने का प्रयास करें जहां पर हमारे कमर्शियल कोर्ट्स जो हैं उनमें सही तरीके से और सही समय पर केसों का निष्पादन हो, जो दुनिया के बाकी देशों में अभी भी आगे बढ़ने की संभावना के दृष्टि से हमारे यहाँ ज़्यादा है। 2018-19 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें भी केस क्लियरेंस रेट जो है वो 87.85% कहा गया, लेकिन इस बार जब लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट भी आई तो उसमें भी यह विषय कहा गया कि जो केस क्लियरेंस रेट है वो इस देश में और आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए जो दूसरा बड़ा विषय है वो दूसरा बड़ा विषय डिस्पोजल ऑफ केस के साथ एक्सेस टू जस्टिस, अफोर्डेबल जस्टिस एंड जस्टिस विद इन अ लिमिटेशन। हम लोगों ने जो अपने संविधान की रचना करी और अनुच्छेद 21 में हमने कहा गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, मैं जब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता था तो उस समय एक फेयरवेल में एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने रिटायर होते हुए कहा था कि जो हमारे देश की सर्वोच्च कोर्ट है इसकी अपेक्षा कोर्ट फॉर कॉमन मैन है, ना कि कोर्ट फॉर कॉरपोरेट वॉर। और इसलिए कॉमन मैन को कैसे न्याय मिले इसके लिए सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी लिटिगेशन पॉलिसी भी लाई गई, क्योंकि जितने भी केसेस हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या में जो लिटिगेंट है वो लिटिगेंट सरकार के रूप में होती है, और उसके साथ ही साथ जो नालसा की अथॉरिटी है, जो सालसा की अथॉरिटी है, ताकि जो गरीब आदमी को जो न्याय लेने का, जो उसका न्याय पाने का जो उसका एक फंडामेंटल राइट है वो सही तरीके से निष्पादित हो। एक्सेस टू जस्टिस में लंबी डिले और जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है ये सबसे बड़ी समस्या है। दुनिया में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल भी तय किए गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नंबर 16 प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड द एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव अकोमोडेट एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल लेवल्स। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा विशेष रूप से न्याय मित्र की योजना को प्रारंभ किया गया, ई पोर्टल को प्रारंभ किया गया, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पहली बार आजादी के बाद ऐसा हुआ कि जो लोगों को न्याय उनकी भाषा में मिलना चाहिए था, माननीय विधि मंत्री जी बताएंगे लगभग 6 या 7 भाषाओं में अभी तक निर्णय वेबसाइट पर आना शुरू हुआ है, लेकिन लोगों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि देश की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए वो अपनी भाषा में पढ़ सके, किसी एक भाषा में नहीं, देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में वो विषय आना चाहिए। और निश्चित रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हम इस विषय को लेकर के आगे बढ़े हैं, लेकिन विधि मंत्रालय के सामने और हमारे देश में केस का डिस्पोजल करने के सामने एक और बड़ी समस्या जो है वो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की है।
इस समय देश का लगभग 0.8% से लेके 0.9% जीडीपी का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे स्पेंड किया जा रहा है, और विशेष रूप से सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है, क्योंकि देश में न्याय व्यवस्था के लिए पब्लिक रिलेशन का जो काम करते हैं वो पब्लिक रिलेशन का काम हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट करते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सुधरना चाहिए, और इसलिए केंद्र सरकार ने अपने बजटरी सपोर्ट में 60-40 के रेशो में पूरे देश में, क्योंकि जो हमारे राज्य की अदालतें हैं उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है वो राज्य सरकारों का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि हम 60% देंगे, 40% दीजिए, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरना चाहिए, ई कोर्ट की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने 90-10 के रेशो से भी इस विषय को करा है। लेकिन जुडिशियल क्षेत्र की जो सबसे बड़ा विषय है वो अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में कोर्ट को एक बड़ी पावर दी गई है, और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, चूंकि ये विषय अभी हमारी कमेटी के सामने भी विचाराधीन है, लेकिन देश में जैसे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है, देश में सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होता है, देश में एक लीगल इंपैक्ट असेसमेंट भी होना चाहिए। और यह होना इसलिए आवश्यक है कि जो व्यक्तिगत निर्णय है, जो दो पक्षों के बीच के निर्णय है, वो तो न्यायालय समाधान करता है, वो अच्छी विषय है, लेकिन जो पॉलिसी लेवल के विषय है जहां पर भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी बजट खर्च करती है तो बजट सब्जेक्ट टू कैग होता है। ये जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस में हम जो दोनों तीनों पक्षों का जो संतुलन खड़ा करना चाहते हैं कि अगर उसका इंपैक्ट सरकार के एक्सचेकर पे आता है, अगर उसका इंपैक्ट एक पॉलिसी लेवल पे आता है, अगर उसका इंपैक्ट ऐसा लगता है कि वो एग्जीक्यूटिव के भी काम में आता है, तो हमारे यहां पर और दुनिया के बाकी देशों में अभी कुछ टाटा सोशल साइंसेस की रिपोर्ट भी आई थी कि लेजिस्लेटिव इंपैक्ट का एक असेसमेंट होना चाहिए, दोनों पक्षों का होना चाहिए, लीगल जजमेंट का भी इंपैक्ट होना चाहिए और लेजिस्लेशन का भी होना चाहिए। क्योंकि जो सबसे बड़ा विषय है कि जब हम किसी भी नए लेजिस्लेशन को लेकर के आते हैं तो उस नए लेजिस्लेशन के लिए उस हिसाब से हमें नई मैन पावर चाहिए होती है। अभी देश का सबसे बड़ा रिफॉर्मिस्ट लॉ जब इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी हम लॉ लेकर के आए हैं तो ध्यान में आने लगा है कि उसी के अनुपात में एनसीएलटी कोर्ट के लिए, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए, उसके संबंध में वकील उसको आर्ग्यू कर सके, उसके संबंध में उसके तकनीकी पक्ष की जानकारी के लिए हम देश में एनवायरमेंटल लॉ लेकर के आए, लेकिन एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को समझने वाले लोग, उसके प्रक्रिया को समझने वाले लोग, तो कोई भी लेजिस्लेशन आता है या पॉलिसी रिलेटेड अगर लीगल जजमेंट आता है तो उसका एक इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। और इसलिए जुडिशरी जस्टिस डिपार्टमेंट में जिस प्रकार से काम है, अल्टीमेटली देश के सभी पक्ष हैं वो नेशन बिल्डिंग को, नेशन मेकिंग को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और इसलिए जुडिशियल एफिशिएंसी जो है वो देश के विकास को आगे बढ़ाती है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अपने संविधान में विधायिका का, कार्यपालिका का और न्यायपालिका का अपना अपना कार्यक्षेत्र सुनिश्चित किया है, और हमने अपने संविधान में इस व्यवस्था को बनाया है कि चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो और चाहे कार्यपालिका हो, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 142 में जहां हमने सर्वोच्च न्यायालय को एक असीमित शक्ति दी है, वहीं शेड्यूल 9 में हमने लेजिस्लेचर को भी एक शक्ति दी है कि वो भी कानून जो है उनका वो न्यायिक निर्णय के लिए नहीं होगा। ये बैलेंस इसलिए रखा था कि सभी पक्षों को अपने अपने समय का निर्णय देते समय और कानून बनाते समय अपने क्षेत्र के हिसाब से इस बैलेंस को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, और इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि थी। मैं अब भी ये कहना चाहता हूँ कि इन सब विषयों पर एक समग्रता के साथ विचार होना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का जो संतुलन है वो एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करे बिना देश में एक लक्ष्मण रेखा को करे आगे बढ़ाना चाहिए। और इसलिए
ये सरकार इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है कि न्यायपालिका में फेयरनेस के साथ काम हो, फेयरनेस होकर के काम हो, उसके लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। लेकिन कुल मिलाकर के जो हम कानून बनाते हैं, जो कानूनों को बनाने की प्रक्रिया हम करते हैं, जो देश में सुधार करने का काम हम लोग करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य जो है वो ये है कि देश में हम जिस समाज का निर्माण करना चाहते हैं, हम लिटिगेशन फ्री सोसाइटी को बनाना चाहते हैं, ना कि लिटिगेंट सोसाइटी को बनाना चाहते हैं। और इसलिए लिटिगेशन फ्री सोसाइटी बने, इसके लिए सरकार ने बहुत कानूनों में बहुत तेजी के साथ सुधार कर रहे हैं। जब बीच में अभी जो पुराने कानूनों को निरस्त करने की बात आई, इस सरकार में रहते हुए 1700 से ज़्यादा पुराने कानूनों को समाप्त किया गया, तो 1700 से ज़्यादा पुराने कानूनों को समाप्त करते समय इस बात को कहा गया कि जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है, जनरल क्लॉजेज एक्ट में सरकार के द्वारा ये संशोधन होना चाहिए कि हर एक्ट का अपने आप में एक सनसेट क्लॉज आना चाहिए। वरना होता यह है कि कानून बनाते समय कानून लंबित होते चले जाते हैं और एक कानून से दूसरे कानून के मकर जाल में उलझ जाते हैं। मैं तो सरकार को बधाई देने चाहता हूं कि आने के बाद 1600 ऐसे कानूनों को पहचान करके इस सरकार ने समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। तो परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए है कि जितने भी कानून हैं उसका एक विशेष समय सीमा जनरल क्लॉजेज एक्ट को वापस से पुनरीक्षा किए जाने की विषय की बात है। एक जो दूसरा विषय है वो देश में इस समय जुडिशियल अपॉइंटमेंट का है, और जुडिशियल अपॉइंटमेंट के विषय को लेकर के कई बार कार्य का अनुपात भी निकाला जाता है, कई बार इस बात का भी अनुपात निकाला जाता है कि देश में बोथ There is no retirement of lawyers, fortunately, and politicians, both. Everybody is lawyer. Nobody is retired. Everybody is a lawyer or politician. Both are not retired. और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे आपकी बात का मेरे पास 8 पेज का जवाब है, लेकिन छोड़िए। मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में जुडिशियल अपॉइंटमेंट की एक प्रक्रिया के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और पिछले दिनों माननीय विधि मंत्री जी ने अपने जवाब में भी ये बताया है कि पिछले समय की तुलना में जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर जो निर्णय लेने की प्रक्रिया का जो समय है उसको कम करने का प्रयास ये हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। इस बार जब लॉ एंड जस्टिस की कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन में भी कहा है, ए जजमेंट डिलीवर्ड बाय द डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन 17 फरवरी 2020 इन द केस ऑफ मैसर्स पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कमेटी, द अपेक्स कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट द हाई कोर्ट मस्ट टेक एंडेवर टू रिकमेंड द नेम्स अगेंस्ट द वैकेंसीज एज अर्ली एज पॉसिबल एंड हाई कोर्ट शुड कीप ऑन रिकमेंडिंग नेम विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ अर्लियर रिकमेंडेशन टिल ऑल रिकमेंडेशन आर मेड। द कमेटी अप्रिशिएट द अफोरसेड जजमेंट ऑफ द अपेक्स कोर्ट एंड एक्सपेक्ट दैट द कंसर्न हाई कोर्ट शुड रिकमेंड द नेम्स वेल इन एडवांस सो द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट आर अवेलेबल ऑन द वेरी डिफरेंट डेट ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ जजेस। वास्तव में जब एनजेएससी बनाया था तो एक बात का बहुत अच्छा प्रयास सरकार के द्वारा किया गया था। वो प्रयास इस बात का किया गया था कि जजेस का जो रिटायरमेंट होता है उससे पहले की डेट पर एक डाटा होना चाहिए कि कौन जजेस कब रिटायर, जिस दिन उनका अपॉइंटमेंट होता है उस दिन उनकी रिटायरमेंट डेट भी पता होती है। उसके पहले से, क्योंकि रिकमेंडेशन को प्रारंभ करने का जो काम है वो हाईकोर्ट के कलोजियम का होता है, वह अगर रिकमेंडेशन पहले के साथ वैकेंसी के साथ प्रारंभ होती है तो उसके साथ सरकार को भी ये सुविधा होती है कि वो टाइम पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कर सके। हमारे देश में अभी पिछले दिनों जब हमारी लॉ एंड जस्टिस कमेटी की मीटिंग हुई थी तो एक विषय हम लोगों ने सरकार से भी पूछा था, और मैं ये कहना भी चाहता हूँ
कि जो देश में हमारे यहां जो न्याय देने का सिस्टम है, उस न्याय देने के सिस्टम में फॉर्मल तो है ही है, लेकिन हमारे यहां क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटीज भी काफी हैं। अगर आप अकेले दिल्ली में देखेंगे तो जो ग्लोबलाइजेशन के बाद जिस प्रकार का लॉ रिफॉर्म्स हुआ है, उस लॉ रिफॉर्म्स में लगभग आज दिल्ली में 34-35 से ज्यादा ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं। कंज्यूमर है तो उनका कंज्यूमर कोर्ट है, एनवायरमेंट है तो एनवायरमेंट का ट्रिब्यूनल अलग है एनजीटी, माइनिंग है तो माइनिंग का ट्रिब्यूनल अलग है, माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो उनका ट्रिब्यूनल अलग है, बैंक्स है तो उनका ट्रिब्यूनल अलग है, कंपनीज है तो उनका ट्रिब्यूनल अलग है, आईबीसी लॉ है तो उसके लिए एनसीएलटी का ट्रिब्यूनल अलग है, फेमा है तो उसके ट्रिब्यूनल अलग है, टीडी सेट है तो उसका ट्रिब्यूनल अलग है, इलेक्ट्रिसिटी लॉ है तो उसका ट्रिब्यूनल अलग है, प्रेस है तो उनके लिए प्रेस काउंसिल है, वाटर रिवर डिस्प्यूट्स बॉडी है तो उनके लिए ट्रिब्यूनल अलग है। इसका अर्थ यह है कि हमारे देश में जो 125 करोड़ लोगों के लिए जो हम न्याय की बात करते हैं, हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल कुल मिलाकर के जस्टिस मिलने की बात है कि जो पब्लिक ग्रीवेंस है उसको जो एड्रेस करने वाले जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ट्रिब्यूनल हैं, क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटी है, उन सबके इफेक्टिवनेस को लेकर के हमें काम को आगे बढ़ाना चाहिए। एक दूसरा विषय और है कि कई बार ये देखने में आता है कि जो छोटे कंपाउंडेबल केसेस हैं, वो छोटे कंपाउंडेबल केसेस को लेकर के कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट तक कम से कम चला जाता है। जो इस प्रकार के जो केसेस हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखना है कि देश में जब लोक अदालतों ने काम किया तो लगभग 1,65,00,000 ऐसे केसों को लोक अदालत के द्वारा तेजी से डिस्पोज ऑफ किया गया। सरकार के द्वारा ग्राम न्यायालय का विषय लेकर के आया गया था। जो छोटे पिटीशन है, जो लिटिगेशंस है, उसको क्यों ना हम गांधी जी के सपनों के अनुरूप ग्राम न्यायालय के माध्यम से तुरंत डिस्पोज करने का काम करें। हम आर्बिट्रेशन की, मीडिएशन की, कंसिलेशन की जो बात करते हैं, तब हमारा जो सामान्य रूप से जो दृष्टिकोण होता है वो कमर्शियल केसेस के एस्पेक्ट को लेकर के ज्यादा होता है, लेकिन ग्राम स्तर पर जो छोटे केसेस हैं, जो छोटे निर्णय हैं, जिसमें सुलह हो सकती है, जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा है, जो कंपाउंडेबल हो सकते हैं, अगर इन विषयों को हम नीचे तक जाने के से रोकेंगे तो मुझे लगता है कि हम काफी हद तक सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के काम को भी कम कर सकते हैं। ये प्रक्रिया सरकार के द्वारा बीच में रात्रि न्यायालय का भी प्रयोग शुरू किया था, क्योंकि जितनी भी पेंडेंसी हमारे यहाँ केसेस की है, देश में इस समय लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, उसमें अकेले 3,17,00,000 केस सबॉर्डिनेट केस के पेंडिंग है। एक छोटा चलान भी जाता है तो वो भी जाकर के कंपाउंड होकर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में और डिस्पोज होने में 6 महीने से 8 महीने के बीच में लगता है। ये जो छोटे ग्रीवेंस वाले विषय हैं, इसके लिए जो ग्राम न्यायालय या छोटे न्यायालय की जो अनौपचारिक रचना है उसको आगे किया जा सकता है। उसके साथ ही हाईकोर्ट में इस समय 45,00,000 और सुप्रीम कोर्ट में 60,000 के करीब केसेस पेंडिंग पड़े हैं। सरकार के द्वारा संविधान के अंतर्गत भी एक प्रावधान है कि सब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो जो रिटायर्ड है उनको एडहॉक जजेस करके या लोक अदालत लगा करके इसको पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकती हैं। और इसलिए मैं वापस से इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 में जो पेंडेंसी को लेकर के कहा गया था कि 64% केसेस हमारे यहाँ ऐसे हैं जो 1 साल से ज़्यादा पेंडिंग पड़े हैं, और जो 3.5 करोड़ का जो ये जो जुडिशियल सिस्टम में जो पेंडेंसी है, इसका जो डिस्पोजल टाइम है वो हमारे यहाँ पर जो बाकी का जो एवरेज यूरोपियन कंट्रीज के टाइम से लगभग 4.5 गुना और 6 गुना ज़्यादा है। ये एक ऐसा रिफॉर्म्स है जिसके लिए सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य करती है, लेकिन इसमें और काफ़ी और आगे विषय को ले जाया जा सकता है। जुडिशियल रिफॉर्म से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा विषय जो है हमारे यहाँ पर प्रिजन रिफॉर्म्स का है, क्योंकि जेल सुधार इस देश में बहुत आवश्यक है, और जेल सुधार को लेकर के जिस इस समय देश में लगभग 4.5 लाख लोग जेलों के अंदर है, जिसमें 68% जो है अंडर ट्रायल हैं। पिछले दिनों लॉ एंड जस्टिस की कमेटी के द्वारा हमारी कमेटी को चेरालपल्ली तेलंगाना में एक जेल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वास्तव में इस देश में भी एक ऐसी आदर्श जेल हो सकती है जिसमें आदमी सुधर करके बाहर निकलता है।
क्योंकि हमारी कमेटी ने आर्थर रोड का भी, भाईखला का भी, चेन्नई का भी, काफ़ी सारी जेलों का रिजर्व किया, दौरा किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी आदमी अगर आज क्रिमिनल केसेस में अंदर गया है तो हमारे पास प्रिजन रिफॉर्म्स एक ऐसा बड़ा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे चुकी है, और प्रिजन एक्ट 1894, प्रिजन एक्ट 1900, ये हमारे देश में एक ऐसा कानून है जिसमें अभी से सुधार होना चाहिए। क्योंकि जब हम सीआरपीसी में भी सुधार की बात करते हैं, आज तक हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम रहता है सीआरपीसी में कि अगर किसी व्यक्ति की बेल होती है तो बेल होने के बाद कोर्ट से जेल में निर्णय नहीं जाता है, वो निर्णय वकील को ही अपने मुवक्किल के लिए लेकर के जाता है। अब एक आदमी 4 केसेस में बंद है, 5 केसेस में बंद है, कहाँ पर बंद है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो प्रिजन रिफॉर्म जो है वो एक बहुत बड़ा विषय है जो उसके लिए है। आज सुबह इस सदन में चर्चा चली थी, और सदन में चर्चा चलते समय मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के संबंध में एक विस्तार से सरकार के विषय को रखा। वास्तव में एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एक ऐसा विषय है जिसकी मांग एक लंबे समय से चलती रही है, क्योंकि जुडिशियल क्षेत्र में हम लोगों को अगर एक होमोजेनियस एटमॉस्फेयर करना है तो एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। वो रिप्रेजेंटेशन सब वर्गों का होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन इस मेरिट के आधार पर होना चाहिए कि उसमें समाज के सभी वर्गों को परिलक्षित करने वाले लोग न्यायपालिका में सहभागिता के साथ आ सकें। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होने के माध्यम से हम चाहे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा, SC ST का रिप्रेजेंटेशन होगा, OBC का रिप्रेजेंटेशन होगा, उसको जुडिशियल सर्विस में पूरा कर सकेंगे। और मैं बधाई भी देना चाहूँगा कि सुबह माननीय मंत्री जी ने इस पर बहुत सकारात्मक विषय भी सदन के सामने रखा था, और आने वाले अपने समय में भी उसका वो एक सकारात्मक विषय रखेंगे। लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के साथ साथ जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ साथ एक और विषय जो इस मंत्रालय के अंतर्गत है वो चुनाव आयोग का है। चुनाव संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार के को मैं आज मंत्रालय पे चर्चा करते समय मैं ये ध्यान भी आकर्षित कराना चाहूँगा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के चुनाव सुधारों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का तो विषय देश के सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया है, लेकिन दो एक ऐसे बड़े निर्णय हैं अगर उनको आने वाले समय में लागू किया जाए तो देश में एक बड़ा चुनाव सुधार आ सकता है। पहला, वन नेशन वन वोटर लिस्ट। इस देश में वोटर लिस्ट एक होनी चाहिए, क्योंकि होता यह है कि कोई भी व्यक्ति जब वोट देने के लिए जाता है तो पता लगता है कि जब वो पंचायत का चुनाव देने जा रहा है तो उसका मतदान एक अलग पोलिंग बूथ पे है, विधानसभा में वोट देने जाएगा तो पता लगेगा उसका चुनाव अलग पोलिंग बूथ पे है, और जब वो संसद का चुनाव देने जाता है तो फिर उसको लगता है उसका एक अलग पोलिंग बूथ पे लिस्ट है। क्योंकि हमारे यहाँ जो संविधान में जिस प्रकार की व्यवस्था है कि राज्य के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग और केंद्र के चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग, ये दो अलग अलग स्तर पर लिस्ट प्रिपेयर करने का जो काम है उसके कारण बड़ी असुविधा होती है। और पूरे देश में एक राजनीतिक कंसेंसस बनाई जानी चाहिए कि पूरे देश में, क्योंकि मतदाता को ये पता होना चाहिए कि मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम कहाँ पर है और मेरा पोलिंग बूथ कौन सा है। इससे निश्चित रूप से देश में मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और जो डुप्लीकेसी हो रखी है उसको भी समाप्त किया जा सकेगा। इस बार पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया कि जो हमारा वोटर लिस्ट है उसको अगर आधार के साथ जोड़ने का एक प्रावधान करेंगे तो लगभग देश में 110 से 111 करोड़ लोग सीधे हमेशा निश्चिंत हो जाएंगे कि मेरा जो वोटर लिस्ट है उसके बारे में कन्फर्मिटी का होना बहुत आवश्यक है। दूसरा एक और जो बड़ा विषय है वो एक देश और एक चुनाव का है। हम देखते हैं कि देश में हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने किसी न किसी विधानसभा का चुनाव होता है, और न केवल विधानसभा का चुनाव होता है, फिर पंचायती राज के चुनाव होते हैं। आज अभी हम आंध्रा में ही देखा है, आंध्रा के काफ़ी लोग बता रहे थे कि पहले आंध्रा में एक साथ सारा चुनाव हो रहा है, और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमने स्वीकार किया वो इस मामले में बिल्कुल ठीक स्वीकार किया है कि एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जब विकास योजनाओं के द्वारा कोई भी सत्ताधारी दल योजनाओं को प्रभावित ना करे। लेकिन ये जो विकास के लिए जो बैन रखता है,
इसका कई राज्यों में एक दूसरे तरीके से विषय देखने में आता है। राज्य में अगर चार जिलों के अंतर्गत पंचायती राज का चुनाव है तो बाकी के जिलों से आने वाली जो योजना है वो इन चार जिलों में नहीं जाएगी, और यहाँ चुनाव है तो बाकी के जिलों में वो योजना नहीं होगी। मुझे अच्छी तरह ध्यान है मेरे को राजस्थान का, कि राजस्थान में जब 2013 में विधानसभा के चुनाव हुए, हमारी सरकार आई, उसके बाद जनवरी फरवरी में जैसे ही बजट रखा तो कुछ पंचायती राज चुनाव हुए, मार्च में वो जैसे चुनाव खत्म हुए मई में लोकसभा के चुनाव आ गए, मई में लोकसभा के चुनाव समाप्त हुए सितंबर अक्टूबर में मेयर के चुनाव आ गए, सितंबर अक्टूबर में मेयर के चुनाव समाप्त हुए और जनवरी में पंचायती राज के जिला परिषदों के चुनाव आ गए। एक निर्वाचित सरकार जो अपना स्थान ग्रहण करके चलाना चाहती है, पहला पूरा साल चुनाव में चला गया, बाकी का एक साल चुनाव प्रचार में चला गया, तो चुनाव के चला गया तो शासन करने का समय कब मिला? देश में अभी भी एक ऐसा विषय है जिसपे राजनीतिक स्तर पर विचार करके सभी पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव सुधार की दृष्टि से इस विषय पर आगे विचार करने की और भविष्य में एक कंसेंसस को पैदा करने की आवश्यकता है। और जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनके साथ भी जो सबसे बड़ी समस्या है वो संसाधन की समस्या है। पॉलिटिकल डिबेट और डिस्कोर्स इस देश में एक सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है कि पॉलिटिकल डिबेट और डिस्कोर्स अगर एक साथ चुनाव होगा तो पॉलिटिकल डिबेट और डिस्कोर्स में बाद में राजनीतिक विचार, सरकार और वो चलेंगे। बार बार चुनाव होने के कारण देश में एक पॉपुलर राजनीति होती है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार लोगों के मन में ये आशंका होती है कि भाई अगर एक साथ चुनाव होंगे तो इससे किसको फायदा होगा। मैं आपको इस चुनाव का भी उदाहरण देना चाहता हूँ, और उड़ीसा का प्रसन्न आचार्य जी बैठे हैं, लोकसभा में जनता ने जिस प्रकार से वोट दिया विधानसभा में उससे बिल्कुल अलग पैटर्न पे चुनाव, बिल्कुल अलग पैटर्न पे लोगों ने वोट दिया। इस देश की जो जनता है वो पूरी तरीके से परिपक्व जनता है। हमें जनता में भरोसा रखना चाहिए। जो उड़ीसा की जनता है वो पूरे देश की जनता है, और इसलिए आपको ये मानना चाहिए कि एक समान चुनाव इस देश का एक बड़ा चैलेंज है जिसको हम पूरा कर सकते हैं। मैंने फिर ये कहा था कि देश में जो सबसे बड़ा एक विषय है वो इस समय आर्बिट्रेशन का विषय है, और इस समय हम पूरे दुनिया में जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं तो आर्बिट्रेशन को लेकर आज लंदन में, सिंगापुर में ये आर्बिट्रेशन के बड़े सेंटर बने हैं। और आर्बिट्रेशन के इस सेंटर में बनने का जो सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारे यहाँ जो एक्रेडिटेशन करने का विषय है, आर्बिट्रेशन संस्थानों की जो गुणवत्ता करने का विषय है, वो अब सरकार ने उसको एक तरीके से स्वतंत्र किया है, और स्वतंत्र करने के बाद आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है हेडेड बाय जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उसको देकर के एक मेंबरशिप बनाकर हमारा देश दुनिया भर के आर्बिट्रेशन का हब बने, ताकि बहुत तेजी से कमर्शियल डिस्प्यूट को पूरा किया जा सके। लेकिन मेरा एक और मानना है कि इस देश में गरीब को न्याय देने के लिए पूरे देश में एक बार नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यों की समीक्षा पूरी तरीके से की जानी चाहिए। सरकार के द्वारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो एक बहुत बड़ा फंड है वो केवल लॉयर्स की फीस के अंतर्गत जाता है या प्रोग्राम करने के अंतर्गत जाता है। आखिर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा क्यों नहीं बाकायदा एक सर्वे किया जाए कि देश में कितने पेंशनर्स के केस हैं उसको प्रायोरिटी पे लेके निपटाया जाए, देश में कितने बुजुर्गों के केस हैं उसको प्रायोरिटी पे लेके निपटाया जाए, देश में कितने फैमिली डिस्प्यूट्स के केस हैं उसको लेकर के निपटाया जाए, छोटे केसेस हैं। ये जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो इस समय कार्य करने का तरीका है प्री बोनो, या उसमें हमें बाकी के सीनियर एडवोकेट्स को भी प्रो बोनो आने के लिए कहना चाहिए, लेकिन दोनों तरह का काम जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा किया जाना चाहिए। और इसलिए अगर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा हम देश में तेजी से ये जो न्यायालय के जो विषय हैं और न्यायालय के जो केस हैं इनका वर्गीकरण करके अगर डिस्पोज ऑफ करने का काम करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा तरीके से काम कर पाएंगे। अंत में मैं वापस से ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार पिछले समय में कानून निर्माण की दृष्टि से जो देश में जिस प्रकार के समतापूर्ण कानून चाहिए, चाहे दिव्यांगों के लिए कानून बनाने का विषय हो, चाहे कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए कानून बनाने का विषय हो, चाहे ट्रिपल तलाक के लिए कानून बनाने का विषय हो, पूरा संवेदनशील होकर समाज के सभी वर्गों को
न्यायिक तरीके से न्यायपूर्ण शासन में रहने का अधिकार मिले, उसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। पास्को जैसा कानून बना करके भी इस सरकार ने बच्चों के साथ जो अन्याय है उसको करने का काम किया है। लेकिन इस पूरे कार्य को करते समय आज देश में इस बात की बहुत आवश्यकता है कि मैं लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट इस देश की एक अनिवार्यता है, जिसके कारण हम अकाउंटेबिलिटी को तय कर सकें और हम एक ऐसा मैकेनिज्म खड़ा कर सकें कि किसी भी व्यक्ति को यह लगे कि अगर कोई केस उसके साथ हुआ है तो उसका त्वरित सही तरीके से, सुलभ तरीके से उसके कानून का पूरे तरीके से सही समय पर निपटारा हो सके। एक किसी भी देश में जो महंगा न्याय है वो देश की जनता के लिए भारी होता है, और इसलिए कानून सस्ता हो, सुलभ हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और आज यह जब ये चर्चा पूरे सदन में इस विषय पर चलेगी तो देश में सस्ता सुलभ न्याय बनाकर हम लीगल इम्पैक्ट असेसमेंट को आगे करके किस प्रकार से देश में एक न्यायपूर्ण शासन में जो विधि मंत्रालय कार्य कर रहा है उसको और आगे तरीके से बढ़ा सकें, इस बात को हम पूरा करेंगे। और लीगल डिपार्टमेंट में जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के साथ साथ एक लास्ट विषय और है, वो है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग अपने आप में किसी भी देश के शासन चलाने का पूरा आधार होती है। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में सबको सजगता के साथ विचार करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर कोई लेजिस्लेशन ड्राफ्ट होता है तो बाद में उसके विभिन्न अर्थों का इंटरप्रिटेशन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। हालांकि हमारा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट इतना अच्छे तरीके से काम करता है कि संसद के बनाए हुए दो तीन कानूनों को छोड़कर कोई ही ऐसा कानून होता है जो न्यायालय कभी सेट असाइड कर पाती है, पर विषय इंटरप्रिटेशन का आता है। और इसलिए लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के नाते, लेजिस्लेटिव ट्रेनिंग के नाते, कम से कम लेजिस्लेटिव ट्रेनिंग से बाकी लोगों को जोड़ने के नाते और लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग करते समय हम अपनी डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कैसे बनाएं, कमेटी के माध्यम में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को और एक्सपर्ट्स को हम बुलाते हैं, लेकिन फिर भी ये कानून मंत्रालय का एक विषय होगा कि कम से कम लॉ कमीशन जो उनके अंतर्गत आता है उसके अंतर्गत लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग को और अच्छा बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो उनकी भाषा है वो आम आदमी के समझ में आए। और इसलिए मैं न्याय मंत्रालय को ये भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का भी विभिन्न भाषाओं में उन्होंने अनुवाद किया है, संसद के अंतर्गत जैसे ही कोई कानून आए तो क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था हो सकती कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट उसी दिन उड़िया में, तमिल में, कन्नड़ में, आसामी में, मराठी में, गुजराती में उसका अनुवाद करके उसको कम से कम वेबसाइट पर लगा सके, ताकि लोग ये जान सकें कि ये जो कानून बना है ये कानून हमारे लिए बना है, कम से कम उसके बारे में अपना सुझाव दे सकें। ये लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के माध्यम से एक विधानमंडल और संसद में भी विशेष रूप से तैयारी करने की आवश्यकता है हम सब को। ये हमारा एक सौभाग्य बना है कि एक लॉ मेकर बनने का अवसर हम लोगों को देश की जनता ने दिया या हमारी पार्टी ने हमको दिया, लेकिन लॉ मेकर के रूप में ये लॉ मेकिंग का काम हम जन सहभागीदारी के साथ आगे बढ़ाएं और जनता की भाषा में बनाएं। जनता की भाषा में सरल कानूनों को बनाना, त्वरित तरीके से लागू करना, सस्ता न्याय लागू करना, इस विषय में माननीय विधि मंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं उनको भी बधाई देते हुए एक सार्थक चर्चा शुरू हो, मैं अपने विषय को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।